वायल पेपर 10th क्लास का 2025 के लिए हिंदी का क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार आएगा, वो सभी आपको इस वीडियो में बनाया गया है। यदि आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें, हर पेपर आपको मिलेगा इसमें और यूपी बोर्ड की प्रत्येक जानकारी आपको इस चैनल पर जरूर बताई जाएगी। जो भी हलचल होगी यूपी बोर्ड में वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देखते हैं जो इसका जो हिंदी का जो पेपर है वो किस टाइप आता है, देखे क्या आएगा। देखो आपको अनुक्रमांक लिखने को आएगा, ठीक है, अनुक्रमांक, फिर आपका नाम लिखा होगा, फिर आपका पेपर कोड होगा और 2025 हिंदी का पेपर है और आपको 70 पूर्णांक का होगा और समय जो होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट जो होते हैं आपको पेपर पढ़ने के लिए होती हैं, आप उसमें कर भी सकते हैं और पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं जिससे आप क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर सकें और सही वे में लिख सकें। पढ़ते देखो, जिसे जिसके निर्देशक है वो पढ़ने पड़ेंगे हमें पहले। जो प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र दो खंडों, खंड तथा खंड ब में विभक्त है। खंड ए में 1 से 20 तक भविष्य क्लब के प्रश्न है जिनके सही उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्र पर नीले या अथवा काले बॉल पॉइंट कलर से सही विकल्प वाले गोलों को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें और खंड ए के प्रत्येक प्रश्न निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्र पर देने के पश्चात उसे नहीं काटे, नहीं इरेज करें, नहीं वाइडर का प्रयोग करें, ठीक है, वरना आपका गलत माना जाएगा। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णा तो प्रश्न है। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसे उस पर समय नष्ट नहीं कीजिए, यह आपको बता देगा। देखो खंड ए में आपको भविष्य क्लब पे प्रश्न मिलेंगे जो आपको ओएमआर सीट दी जाएगी उस पर फिलअप करने हैं। आपको वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जिसका क्वेश्चन ए है, तो आपको ए ही जो है वो नीले या ब्लैक पेन से आपको काला करना है, उसे बाहर न जाए, उसे नहीं काटे नहीं कटे, ये आपको बता दिया गया है। देखो 20 क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे, आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। यदि इस क्वेश्चन पेपर के आपको पीडीएफ चाहिए और इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक से कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमें पीडीएफ चाहिए। आपको पीडीएफ जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन किस प्रकार का है देख लीजिए, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां, नौवां क्वेश्चन, इसी प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे आपको और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको पिछले पेपरों को मद्देनजर रखते हुए ये पेपर बनाया गया है जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और इसके सही क्वेश्चनों का जरूर आंसर दे सके। इन 20 क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो सकते हैं। खंड ब जो वर्णात्मक प्रश्न है जो एक गद्यांश पर आधारित मिलेगा आपको, गद्यांश पे जिसकी संदर्भ सहित क्या करनी है, व्याख्या करनी होती है। देखो लिखा होता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इस साल व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है इसके बारे में बताइए, ठीक है। इस साल वाले पाठ से इस साल पूर्ण गई निर्वन से, अथवा ये करना है या ये करना है, क्वेश्चन का ज्वर वाला, ठीक है। इन दोनों में बीच में जो अथवा लिखा होता है उनमें से एक करना होता है, कभी आप दोनों कर लो, दोनों पर समय नष्ट होगा, एक करना है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन आपको पद्यांश पे मिलेगा, पद्यांश पर आधारित जो मिलेगा उसमें संदर्भ से व्याख्या करनी है आपको, जो है इसकी व्याख्या करनी, जो ये रेखांकित किया जाता है इन लाइनों की व्याख्या करनी है और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब देना है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा आपको, फिर संस्कृत से पूछा जाएगा, संस्कृत के गद्यांश का आपको पूछा जाएगा, तो एक ही करना है, क्या 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 अथवा लगा हुआ बीच में, ये वाला कीजिए या ये वाला कीजिए। और एक क्वेश्चन पूछ रहा है पद्यांश में से जो ये वाला कीजिए या ये वाला कीजिए, हिंदी में अनुवाद करना होता है इसका, ठीक है, संस्कृत वालों का। और एक आपको पूछा जाएगा श्लोक, श्लोक ऐसा श्लोक पूछा जाएगा, देखो श्लोक भी पूछा जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है श्लोक के बारे में बता दूंगा। देखो अभी इसमें से क्या है, आपके प्रश्न पत्र में एक किताब लगी होगी, या तो मुक्ति दूत लगी होगी या ज्योति बेल लगी होगी। बुलंदशहर जिले वालों को बता दूं वो क्या होते हैं, मेवाड़ मुकुट होती है, उसमें मेवाड़ मुकुट है बुलंदशहर जिले वालों के लिए, सब जिलों के लिए अलग अलग है, वो अपने पैटर्न के अनुसार रखते हैं।
ठीक है। एक आपसे जीवन परीक्षा पूछा जाएगा, जीवन परीक्षा का उल्लेख करना, ये जीवन परीक्षा है, इनमें से किसी का भी एक का आ सकता है, ठीक है। और एक आपका कवि का जीवन परीक्षा, एक लेखक का पूछा जाता है, एक कवि का पूछा जाता है, ठीक है। आपको जीवन परीक्षा दे गए, देखो ये रहा अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के कट कट, मतलब जो याद एक श्लोक लिखे जो आपको याद है, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, जो प्रश्न पत्र में नहीं आया हो वही श्लोक लिखना है, वो लिख दो। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, मतलब प्रार्थना पत्र लिखना होगा, ये प्रार्थना पत्र इस प्रकार आते हैं, इनमें इसमें मांग सकता है और दूर, ठीक है। और आपको संस्कृत में उत्तर देने होंगे, दो संस्कृतों के उत्तर देने पड़ते हैं, आपको चार दिए जाएंगे, इनमें चारों में से दो करने होंगे, ठीक है। संस्कृत के प्रश्न देख लीजिए, और आपको लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा निबंध का, निबंध निबंध कम से कम 6 पेजों का होना चाहिए और बेहतरीन राइटिंग में, और हिंदी में नंबर चाहिए तो आपको राइटिंग और कंटेंट का बहुत अच्छा वो रखना पड़ेगा स्कोप, तभी आप हिंदी में नंबर पा सकते हैं, ठीक है। सभी प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी आपके गैस पेपर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं, सभी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो में, जैसा भी होगा। आपके हमने पैटर्न, हम एनसीईआरटी साइंस का हमने पढ़ा चुके हैं, उसको प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जब तक दूसरी वीडियो नहीं आती है।